आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। सिंधी सेना की उम्मीदवार शायना NC पर केस दर्ज करने की मांग कांग्रेस प्रत्याशी ने लगाया ये आरोप। मीरा भाईंदर विधानसभा में महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन ने मुम्बा देवी विधानसभा से शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार शायना NC के खिलाफ बनावटी पत्र और फर्जी हस्ताक्षर वायरल करने को लेकर मामला दर्ज करने की मांग की है। इस संबंध में उनकी वकील हिमांगी शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है और इससे पूर्व दर्ज एक FIR में शायना NC के नाम को जांच के लिए जोड़ दिया है। मीरा रोड की सीनियर PI मेघना बरांडे ने बताया कि इस संबंध में जांच जारी है। गौरतलब है कि शायना NC ने अपने एक्स अकाउंट पर हुसैन के तथाकथित हस्ताक्षर वाली याकूब मेनन की मर्सी पिटीशन का पत्र शेयर किया था। हुसैन पहले ही इस पत्र को फर्जी बता चुके हैं। इस संबंध में वे कई BJP कार्यकर्ताओं पर FIR करवा चुके हैं। शायना NC का नाम इसी FIR में जांच के लिए जोड़ा गया है। चुनाव आयोग को आचार संहिता उल्लंघन की 6,382 शिकायतें मिली, वहीं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 6,382 शिकायतें चुनाव आयोग को मिली हैं। आयोग का दावा है कि मात्र एक शिकायत को छोड़कर अन्य सभी का निपटारा कर लिया गया है। आयोग ने बयान जारी कर बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच निर्वाचन आयोग के सी विजिल ऐप के माध्यम से ये शिकायतें दर्ज की गई। सी विजिल निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप है जिसके जरिए नागरिक चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। 536,45,00,000 रुपए की नकदी और अन्य सामान जब्त। बयान में कहा गया है कि पिछले महीने में प्राप्त कुल शिकायतों में से 6,381 शिकायतों का चुनाव आयोग ने निस्तारण कर दिया। इसमें कहा गया है कि शिकायत दर्ज होने पर संबंधित टीम जांच करती है और उचित कार्रवाई करती है। बयान में कहा गया है कि 15 अक्टूबर से अब तक की गई कार्रवाई में राज्य और केंद्रीय एजेंसियों ने 536,45,00,000 रुपए की नकदी और अन्य सामान जब्त किया है। आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।